दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 2020 में होने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए CBSE 10th और 12th क्लास के सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्क स्कीम रिलीज कर दी है। CBSE 10th और 12th के एग्जाम फरवरी मार्च में होने वाले हैं। CBSE ने वेबसाइट पर मार्किंग स्कीम व सैंपल पेपर उपलब्ध करा दिए हैं। किस तरीके से आपको इन सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास से, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं वेबसाइट की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके से आपको सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं। पहले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके सभी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अगर आप इनके सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके नीचे की तरफ जब आप आएंगे, यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद PDF कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखने लगा है। ये साइंस का है, मैंने साइंस का डाउनलोड किया था। तो इस तरीके से आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के हिसाब से तैयारी करके आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और दोस्तों, अगर आप मार्किंग स्कीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो मार्किंग स्कीम भी ठीक इसी के सामने दी हुई है। जैसे साइंस का है तो इसके सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा मार्किंग स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही मार्किंग स्कीम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये मार्किंग स्कीम आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। ये साइंस की मार्किंग स्कीम है। इस मार्किंग स्कीम को देखकर आप जान पाएंगे कि कौन से चैप्टर में से आपका कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से सैंपल क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर एग्जाम 2019-20। जिस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है उसके ठीक सामने आपको SQP लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करने के लिए उसके ठीक सामने MS लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।